रात तो आते ही सो गए थे यार, और सुबह आंख खुली है 12 बजे, और अभी टेक्स्ट आया कि 12:30 बजे से लंच है। तो अभी मतलब मैं नहाने गया, एक बार और नहाना पड़ेगा यार, आंखों से नींद निकल रही है। और इतना थक गया मैं कल, इतना थक गया मैं, पिछली एक रात से नहीं सो रखा था क्योंकि वीडियो एडिट करके आए थे। फिर प्लेन में ऐसे ही फ्लाइट में क्या ही सो जाएगा आदमी, 2 घंटे वो भी कभी रुक रहे, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी बाहर गेट पे बैठे हैं कभी अंदर जा रहे हैं। और फिर यहाँ पे मैं ठीक से नहीं सो पाया क्योंकि जैसे ही मैं लेटे एकदम थकेश आ गया भाई, बिल्कुल मतलब ड्रेन हो गई थी एनर्जी, बिल्कुल ड्रेन। अब काफी बढ़िया फ्रेश फील हो रहा है, एक बार और नहाना पड़ेगा क्योंकि फ्लाइट की वजह से मैं फेस वॉश नहीं लाया और हेयर ऑयल नहीं लाया, तो दोनों चीजें भर जा रहा है। यहाँ पे भी अर्शन है, कोई पहले सैलून ढूंढा, सुबह सुबह कॉल कर रहे, इंग्लिश में बात कर रहा हूँ उनसे कि मुझे सैलून चाहिए, यहाँ हमारे रिजोर्ट में नहीं है, इसके आसपास कुछ है गया, तो यहाँ जितने भी आसपास है रिजोर्ट ही है तो उनके अंदर जो सैलून है वहाँ पे अपॉइंटमेंट चाहिए। अब गया हुआ बिना खाना खाए, लेकिन मैं जा रहा हूँ खाना खाने, अभी देखता हूँ भाई। मुझे लग नहीं रहा अभी तक कोई उठाए क्योंकि किसी का कोई कॉल नहीं आया अब तक, ना कोई मैसेज कुछ नहीं, ना किसी ने कोई स्टोरी शेयर करी अब तक रात की, कुछ नहीं, नथिंग। मैं ठीक है भाई, सब बढ़िया, एकदम सोए पड़े हैं। एक लड़के को बाल कटवाने जाना था तो होटल वालों ने उसके लिए इनोवा गाड़ी भिजवाई। वाओ। आज है बुफे में काफ़ी कुछ, और इन्हें पता था कि भैया लोग ब्रेकफास्ट के टाइम सो के नहीं उठेंगे, सीधा लंच करने आएंगे, तो इन्होंने लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक जगह दे दिए क्योंकि ना पता था 12 बजे से पहले तो कुछ उठना नहीं। यह बोलता भाई जिम डाइट, अरे ये देखो ये ब्रेकफास्ट में रखी थी, हिम्मत करके उठाई लाया मगर यार, टेस्ट तो करूँ ही, देखें कैसा है। ढाका आज ही नहीं आया, यूँ कह गया कि यहाँ का खाना बढ़िया नहीं, बाहर खा लूँगा और आज ही बढ़िया हो गया। तुम कह रहे खाना बढ़िया नहीं होने का, तुम भी चाय पी के आ जाइयो, फिर किसी रेस्टोरेंट चलेंगे, नहीं पता यहीं लग रहा है रेस्टोरेंट, पर आज बढ़िया है, काफी बना था कल तो मुकाबला बहुत बढ़िया, कल तो बिल्कुल रांधी काटी इन्होंने, इज्जत नहीं है कुछ, इन्हें पता नहीं लगा था ना कल तक कि मैं आ रहा फाइनल, तो इन्होंने बनवा दिया आज पता लग गया, तो हलवाई ने ठीक करा आज। और ये देश के युवा खाने से पहले स्टोरी डालते हुए, स्टोरी डाल रहा भाई, न्यूट्रिशनिस्ट को भेज रहा हूँ, देख लो देख लो, देश के एलीट जिसकी बॉडी है वो सब तो ऐसे कुछ नहीं कर रहे, ये करना पड़ता है मेरे को, थोड़ा ट्रैक पर रखने के लिए जरूरत है भाई, अमीर बनने के लिए सब करना पड़ता है, पहले लाख रुपए दो एक बंदे को, कितने पैसे दे रहे न्यूट्रिशनिस्ट को, ये इन्फ्लुएंसर है ये युवा, यहाँ काम आता है इसीलिए युवा नाप तोले खा रहा है, शाउट आउट, ये शाउट आउट दे रहा है पैसे भी देगा उसको, काम अच्छा करेगी क्रेडिट देता है, काम अच्छा करेगी तो शाउट, ये तो मेरे ब्लॉग में बोलना पड़ेगा भाई। हाँ तो अभी स्काउट ना वापस से मिला मुझे आज, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं और स्काउट मिले कैसे थे, यहाँ पे भी किसी को नहीं पता, स्काउट बताएगा। एक मेरी बहुत पुरानी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी डायनेमो के साथ, तो वो एक अलग टेक्निकल टर्म हो रही थी, तो वहाँ से लक्ष्य चौधरी नाम का इंसान अचानक से आता कहीं और से डुबकी मार के और मेरे को भरता है रोस्ट बनाया, मेरे को मैं लाइव जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ स्पैमर लक्ष्य चौधरी रोस्ट कर, ये क्या चल रहा है, कौन रोस्ट कर दिया ऐसा, और मेरे को भी रोस्ट कर दिया, क्या सीन हो गया। फिर हमारी कि मैंने कुछ बोला लाइव में, इसने कुछ बोला, लड़ाई चलती रही, फिर हम लोग इंस्टा में हमारी बातचीत हुई, फिर सॉर्ट हुआ, बाद में बोलते ना हम दोनों रोस्ट बड़े हो गए, 2019 की बात है, ये तो बहुत बड़े थे, ये मुझे गाली बक रहा है, मैं इसको बक रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में आके गाली बक रहा हूँ, ये अपनी लाइफ में गाली, ना इसने मेरे को मैसेज किया ना मैंने इसको, अपने अपने लाइफ में गाली बक रहे हैं, स्काउट से अपने बदला पूरा किया, वन हो गया ड्रॉ। ये दो लड़के बात करते हैं फिटनेस की, ये देख लो, अगर तूने ये ट्राई नहीं किया ना फिर तू देसी आदमी नहीं बिल्कुल भी, फिर तेरे को लाना था भाई, ऐसे बन, ऐसे बनेगा भाई बॉडी, मैं कह रहा हूँ अगर जिसने आइसक्रीम रसगुल्ला नहीं खाया ना उसका बयान नहीं होनेगा। कुछ है जो ये जो बातें हैं ये नई जनरेशन के लिए कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब मैं इसको यही बता रहा, जैसे गेमिंग का तो आजकल ये तो बहुत बड़ा, मैंने अभी आज ही मिला हूँ तो गेमिंग, पहले टोटल ओवर डोज की याद आई, उससे पहले वो वाली याद आई, टेकन 3 के ऊपर पिटते थे और उसमें 1 रुपए का एक गेम मिलता था, इतना महंगा, 2000 मैं बता रहा हूँ, ये 1999 की 98 की, इतना महंगा गेम हम खेले थे, और आज के टाइम पे तो भाई बच्चों ने गली क्रिकेट खत्म कर दिया है और हर दूसरे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, तो मैं आज फील कर रहा हूँ यार मैं कितना पिटा हूँ गेम के ऊपर, कितना खेला हूँ, लेकिन ये नहीं खेला हूँ पबजी। बाहर चल रहा है एक इवेंट बढ़िया और हम सबको बुलाया गया था, लेकिन हम सब यहीं हैं, सब अपने अपने रूम में हैं, पता नहीं लेकिन कौन कहाँ है, कांटेक्ट कोई नहीं कर रहा क्योंकि सब डर रहे हैं, मोबाइल सबने साइलेंट में कर रखे हैं क्योंकि ऑर्गेनाइजर कॉल कर रहे हैं। तुझे कितने कॉल आए अब तक? मेरे को 8 से 9 कॉल आ चुके हैं। कितने अच्छे से हम लोग टाइम फोड़ रहे हैं यहाँ बैठ के, ना ये बंदा भी बहुत यूज है ना, नानी के घर पे आए हुए, स्काउट और भैया का डिस्कशन चल रहा है कि कैसी बॉडी बनानी चाहिए, तो स्काउट कह रहा है रोनी कोलमैन जैसे तो मैं नहीं बनाऊंगा, स्काउट ने बोला कि अगली जो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन होगी लाइक सीबम, सीबम सुंदर दिखता है यार वो बहुत, तो स्काउट ने बहुत तारीफ की, सीबम करके एक बंदा है बॉडी बिल्डर है, तो स्काउट कह रहा है वो बंदा सुंदर दिखता है इतना हैवी होने के बावजूद भी, मतलब लोंडो अलग वे मत ले जाना, तुम्हें कैमरा के पीछे वाली हंसी भी दिख रही है जो मेरे को दिख रही है अभी, मतलब ऑफलाइन गेम नहीं खेलते कुछ नहीं खेलते भाई, क्या मतलब सच में रियल लाइफ जो है ना वो रियल लाइफ नहीं है इंसान की, मैं बताता हूँ क्या होता है ना,
माँ बाप हमें हमेशा उसी चीज से रोकते हैं जो उन्होंने फील की होती है कि ये गलत है, उन्होंने फील किया, तो हम देख रहे हैं कि स्टीरॉइड क्या असर डालता है बॉडी। अच्छा स्काउट, अगर कल को तेरा जो बच्चा होता है वो तुझे गेमिंग करते हुए दिखे बचपन से जितना तू खेलता, तू क्या क्या करेगा? कुछ नहीं, मेरा बच्चा को जो बनना है ना मैं उसको बनना, क्योंकि मैं एक चीज देखा मेरे बचपन में, मेरे को बोला गया तू आईपीएस बन, ये बन, बट एट द एंड मेरे को जो पसंद है मैंने वो किया तो मैं सक्सेस कर पाया, ला पाया। लेकिन आउटडोर तो लेके जाएगा ना खेलने मिलने यार मेरे लिए, तो मेरे बच्चे को मैं भाई पहले भाई तू बाहर तो खेलना मस्ट है, मस्ट है भाई, तू फोन तू दिन भर खेल दे, तू बेटा अगर बाहर नहीं तो घर के अंदर एंट्री नहीं कर रहा है, फिर फोन नहीं मिलने, फिर फोन नहीं है। अपने जनरेशन में क्या पढ़ाई कर, अभी के जनरेशन होगा तो बाहर मोबाइल। एग्जैक्टली इसने जो बात कही ना एक दिन, मैं यही बात बोला था मम्मी को कि हम अपने बच्चों से ही नहीं कहेंगे कि तू पढ़ाई कर, बाहर खेल, तू जितना बाहर खेल लेगा, हमें बचपन में क्या बोला था, तू पढ़ाई कर बाहर नहीं जाएगा, अब हम बोलेंगे हमारे बच्चों को भाई तू बाहर जा, घर पे नहीं आएगा तो बाहर नहीं गए, घंटा रूल है। क्योंकि भाई इतना, मतलब अभी हम लोग यही सब बातें कर रहे थे भाई, कितना ज्यादा हो चुका है सब क्रेज ना फोन पे खेलने का, वीडियो गेम, PS5 फलाना डिमकाना। और इनको देखा पतंग वाला, मैं बोलता हूँ गाइस मैं गुजरात में रहता हूँ बचपन से, तो मेरे को पता है गुजरात में पतंग चलाना बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, बहुत बड़ा, 15 अगस्त हाँ मकर संक्रांति हम लोग के लिए बहुत बड़ा होता है, हम लोग रेडी होते उसके लिए भाई, पतंग चलाएंगे, माजा लगाया, सब कुछ रेडी करते थे हम लोग। आज मैंने एक रियलिटी हिट किया, 4-5 साल बाद प्रॉपर गुजरात में पतंग चलाने गया लास्ट 2 दिन पहले, तो मेरे को क्या दिखा पता है, आज का जनरेशन का एक भी बच्चा नहीं था, हम ही लोग जो बचपन में उड़ाते थे पूरा फ्रेंड सर्कल 20-25 लोग, वही लोग आज उड़ा रहे हैं, एक बच्चा नहीं है। वो बच्चे ऑनलाइन उड़ा रहे होंगे, वो बच्चा फोन पे, मेरे को सही भी लग रहा है कि ऑनलाइन अब VR में आ जाएगा, VR में करके पतंग चलाएंगे। लोग टेनिस खेल रहे हैं यार VR पे, मतलब क्या एक कोर्ट में ही तो जाना है, एक 200 रुपए की फीस दो, कितना मजा आएगा, पसीने निकले कमरे के अंदर, हाथ चला रहे हैं, पसीना यहाँ भी निकल रहा है, बट क्या नहीं मैं ऑनलाइन खेल रहा हूँ, वर्चुअल रियलिटी नहीं यार, जो रियल चीज है ना वो रियल, तो फील रियल का, तो बॉडी जैसे बॉडी को लेके भी बात चल रहे थे कि भाई उससे सर्जरी से उससे लेकिन जो फील नेचुरल का है ना वो फील कभी नहीं जा सकता, तो हमेशा खेलना चाहिए भाई। मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ चीजें सारी सीखो, करो अपने बन के। लो एक एग्जांपल दे दे रहा, बाहर ना खेल के सेम गेम ऑनलाइन खेलने का वैसा मतलब है कि रोज अपनी फोटो फोटोशॉप्ड करके डाल लें, एफएफ्स लगा के, लेकिन रियल में कुछ नहीं है। एक में 18 प्लस एग्जांपल दूंगा, चलेगा ना? एकदम 18 प्लस है, देखो मोटा सेक्स करने में डिफरेंस, ये बात कही है, तुम्हारी इमेजिनेशन चलती है। एक चीज और है उसमें, जब आप मास्टरबेट करते हो तो आप अपने आप को ऑटोमेटिकली सीड्यूस कर रहे हो, वहां पे दूसरा आपको कर रहा है, तो डिफरेंस है नेचुरल और इमेजिनेशन में। तो गाइस आप सोच लो कि जिंदगी में मरना कि समझ लो, बाकी मैं थोड़ा सा बदल गया हूं, यू गाइस नो, तो ठीक है। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, कोई भी गेमर ना ये चीज एक्सेप्ट करने को रेडी। कई बार स्ट्रीम पे ऐसी लड़ाई हुई, लोग कह रहे हैं अरे कोई खेल रहा है तो खेलने दो ये वो, लेकिन ये चीज भी बोलना बहुत जरूरी है कि भाई आप कितना भी खेलो कुछ भी करो, पहली चीज तो जो स्ट्रीमर स्ट्रीम कर रहा है वो एंटरटेनमेंट के लिए कर रहा है, आप आ रहे हो, आप चिल कर रहे हो, आप देख रहे हो, जिस टाइम आप टीवी देखते हैं मूवी देखते हो उस टाइम आप स्ट्रीम कर रहे हो, बट हर वक्त जो बच्चे मोबाइल गेम में घुसे रहते हैं ना, मोबाइल में कुछ भी अगर कर रहे हैं, गेम भी छोड़ दो, फालतू की चीजें देख रहे हैं मोबाइल में, भाई वो बहुत टॉक्सिक है तुम्हारे फ्यूचर के लिए। एक तो बच्चे इतने इरिटेट होने लगे ना आजकल के बच्चे, अगर फोन नहीं दे रहे, गुस्सा इतना गुस्सा, भाई मैं तुमको एक चीज बोलता हूँ, मैं गेमर हूँ, मेरे से ज्यादा गेम मैं तुमको लिख के जो भी लोग इंडिया में तो नहीं, इंडिया में तो नहीं खेला, मैं दिन के 12-12 घंटे खेलता हूँ, बट भाई मेरे को बाहर सांस लेना, दोस्तों के साथ बैठना, वो बातें करने में ज्यादा मजा आता है। कल को आप 4 लौंडों के बीच में बैठो, अभी से बैठे हम मोबाइल में रील नहीं चला रहे, हम बातें कर रहे हैं, मजा आ रहा है, वैसे आप लोगों को उसमें ज्यादा मजा आएगा ना कि बैठ के रीले घुमाने में। और स्काउट को अगर कोई देख, मतलब गेमर को, स्काउट को भी, जितने भी गेमर अगर कोई देख रहा है उनको ऑनलाइन, तो वो चलो देख रहा है उसको 4-5 घंटे, लेकिन ये भी तो देखो 4-5 घंटे के लिए डिटॉक्स, बाहर जाके डिटॉक्स कितना टाइम कर रहा है। एग्जैक्टली जैसे लोग है ना डिटॉक्स करने के लिए नशा मुक्ति केंद्र आते हैं, आप लोग इंटरनेट से डिटॉक्स करने के लिए सिर्फ बाहर जाओ, बस घर के बाहर एक पैर रख लो, खत्म, तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, वो अलग नशा। एक चीज मोबाइल के यूज में बता रहा हूँ, तूने यूज फील करी होगी, तू एक दिन मोबाइल यूज कर रहा है, स्क्रॉल कर रहा है, तेरी एनर्जी इतनी कंज्यूम हो रही है ना माइंड से, अरे दिमाग थक जाता है, जो पूरी बॉडी की जो वर्कआउट से कंज्यूम नहीं हो रही ना, कैलोरी वेस्ट नहीं हो रही, वो सिर्फ मोबाइल के स्क्रोलिंग से हो रही है। और भाई जिस दिन मैं वीडियो की स्क्रिप्ट लिखता हूँ ना, सिर्फ वीडियो देखता हूँ लिखता हूँ, उस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करने से भी ज्यादा थक जाता हूँ एक जगह बैठ के। सबको रियलिटी बोलता हूँ, गेमिंग में दो होता है, एक एंटरटेनमेंट और एक कंपटीशन। जब कंपीट करते हैं ना, हम लोग खेलने में नहीं थकते, ट्रेनिंग करने में नहीं थकते, जो ट्रेनिंग करने का जो माइंडफक होता है ना कि अगर तुम हार गए हो, क्यों हारे, कैसे हारे, क्या करना आगे, प्लानिंग क्या, वही बातों में आदमी थक जाता है, क्योंकि आदमी फिजिकल कर नहीं रहा है, वो इतना सोच, इतना स्ट्रेस हो जाता है कि भाई एग्जॉस्ट हो जाता है। तुम सोचो तुम खुद को कितना एग्जॉस्ट कर रहे हो। सच में ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे आते ही, जैसे रोहित शेट्टी के सेट पे आए हो। सच में ये पिंक विला का ही सेट है, और यहाँ पे होगा शाम को
अवार्ड नाइट, मतलब जितना मुझे लग रहा है यहीं पे ही होगा। रेड कारपेट रेडी हो रहा है भाई, भाई पूरा यहाँ पे पेड पीआर आएगी और उनके सामने ऐसे दिखाएंगे जैसे हम बहुत कोठी बंगले वाले लोग हैं, हमारे लिए खड़े हैं। भाई बैंक में भी यही सिग्नेचर है बैंक वाला का। ये देखो पैनल में जाने के लिए कंफ्यूज है सब कि अंदर लोग कम बैठे हैं पर अगर अंदर चले गए तो बाहर नहीं निकल सकते। बड़ा स्ट्रेस हो रहा है कि पैदल एक पैर रख दिया अंदर, हाँ फिर बाहर तो आ नहीं पाना अगले दो घंटे, फिर इंसल्टिंग भी फील होता है ना उस बंदे को जो बोल रहा है, और बैठे भी अपने भाई लोग ही उधर, हाँ बाद में गाली अलग पड़ेगी। तू जा रहा था हमारे पैनल से पहले उठ के? नहीं यार, क्या करना भाई, 10 मिनट देख रहे हो क्या? नहीं तो 10 मिनट बाहर बैठना है तो बता। एक काम करो आप 10 मिनट चले जाओ और मुझे मैसेज करके बता दो, कुछ है तो हम आ जाएंगे, नहीं है तो आप भी बाहर आ जाइयो। ये देखो भाई झांक झांक के देख रहे हैं अंदर कुछ है या नहीं। आप जा रहे हो? नहीं भाई मैं। आप नहीं जा रहे? क्यों? डर लग रहा है मेरे को भी। सोने जा रहा हूँ भाई। ये ऑप्शन है, सोने जा सकते हैं। अभी स्काउट और मैं दो युवा लड़के दो फादर फिगर से पूछ रहे हैं कि बच्चों के साथ ये स्ट्रगल होता है? कोई स्ट्रगल ये मिस करते हैं भाई, बाद में मैं मिस करता हूँ, मेरे बच्चे बड़े हुए हैं। ये भाई ये गिम्बल आता है, गिम्बल को असेंबल करना पड़ता है, फिर गिम्बल स्टेबलाइज होने को सीखता है, फिर वो रोबोट बनता है, फिर वो चलता है ऐसे से, फिर गिरता है टूटता है, फिर वो ठीक होता है, और फिर वो भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो एआई बन जाता है। निखिल भाई ने ब्लॉगिंग को एकदम एआई बनने से पहले हम लोग उसको बहुत प्यार देना है। अभी कंफर्टेबल हो रही है सबके साथ। तो मैं ये खेलता हूँ उसके यार, अरे भाई मैं ऐसे कह रहा हूँ कि बच्चों का खेलने में मजा आता है। स्काइज टाइम अटेंशन का पॉइंट बनी हुई है, सब इधर ही देख रहे हैं। अच्छा भैया ये स्लो प्रोसेस होता है बच्चे के बड़े होने वाला, धीरे धीरे ऐसे सीखना। बार बार आरंभ चल रही तो 8 महीने की थी, लोग कहने घर में थे, सीढ़िया थी, हम लोग को लगा चलो यही खेलेगी, हमने पिलो डाल दिया, मैं शानेस कुछ वीडियो शूट कर रहे थे, वो गायब कहाँ गई, और सीढ़ी चढ़ के वो बीच में थी, और मैं जैसे कहना ना वैसे पीछे गिरी और मैंने पकड़ लिया उसको। तो उडन रियलाइज हुआ कि बच्चों को सीढ़ियों से बहुत प्यार होती है। अभी मुंबई वालों के घर में सीढ़ियाँ होती नहीं है। तो प्रैक्टिस बच्चे एक हरकत कितनी रिपीट कर सकते हैं, कितनी मतलब मेरे सामने सामने अभी 10वीं बार तो हो रहा है ये। स्काउट का सब रोस्ट मार रहे हैं जहाँ जाओ, खत्म है स्काउट भाई। इन्होंने बचपन जो छोटे छोटे बच्चे थे ना उनका ब्रेन वॉश किया था, जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू किया उन्होंने कोविड के बाद, उन्हें अकल आ गई, उन्होंने गेम देखने बंद कर दिए। 5 उंगलियों से खेलते ना, 5 उंगलियों से खेलते, 5 6 से क्यों नहीं खेलता? कौन जीत रहा है? 13-2 27 मिलियन वाला कितने अपने? भाई ये होते हैं बड़े क्रिएटर, उन्हें अपने सब्सक्राइबर नहीं पते, हमें 100 की डिजिट में पता रहे हैं सब्सक्राइबर कितने हैं। बोल रहे 27 से 29 दो का गैप है ना, वो लक्ष्य का है। मैं 2 मिलियन मेरे हैं। अरे भगवान इतनी सक्सेस यार, इतनी सक्सेस ब्रो, या तो हमारे 29 होने वाले हैं 30। अरे ले अभी चेक कर रहा हूँ मैनेजर, मैनेजर किस लिए बताओ कितने होने वाले हमारे 29 मैनेजर मिलियन गिनने शुरू करते हैं। कितने टोटल? 15 दो मेरे 17 टोटल, 4 है ना, 17 4 21 21 4 25 15 कितना? अरे भाई ऐसे मत बोल रहे भाई, यही कॉन्ट्रोवर्सी करेगा। 15 कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगा। कितने हो गए टोटल? 70 हो गए, 70 मिलियन। अबे इतने तो लोग भी नहीं है देश में, इन्हें नहीं पता सेम ही है, वे एक बैंक अकाउंट खोल के बना रहे, इन्हें नहीं पता सेम ही है सबके। अगर ये अपने शो पे बुलाए, 2 शर्तें हैं, या तो पैसे मांगोगे इससे या फिर मेरे साथ भी कोलैब करना पड़ेगा। मैं पैसे मांगता हूँ। पैसा नहीं, सब कुछ मैं पैसा मांगूंगा। नहीं ये तो दोनों फायदे हो गए ना, कि लक्ष्य के साथ कोलैब भी नहीं करना पड़ा, पैसे भी मिल रहे हैं। इतना सारा ग्रुप वर्कआउट मार के चल रहे हैं, तुम्हारा सूट लक्ष्य पहनने और लक्ष्य तुम्हें अपना सूट पहनने को दे दे, लक्ष्य का वन पीस हो जाएगा। देखो लाइव रोस्ट लगवा दिया, कॉमेडी किंग है भाई, अब रिप्लाई कर ऐसे भाई, मीम मारा है भाई ने ऐसे ही ऑडियंस को भाई। जा रहे चाय नहीं पीनी क्या भाई? चाय पीनी है।
बेबी तो गुस्तो जा मिला दो अचंभे के साथ चाय अच्छी भी है ना हां ठीक है una chica de bahía con milagros cantita bien caro love ya yeah,